जगदलपुर में रमन सिंह के बयान पर बोले विधायक रेखचंद जैन, ज्यादा धर्मांतरण पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा पहुंचे सुकमा, ग्रामवासियों से की मुलाकात। जगदलपुर में मिशन एलडीएम को लेकर हुई बैठक संपन्न, सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में हुई बैठक। मासमुंद में विद्युत विभाग की दिखी दबंगई, बिना अनुमति के जारी है पेड़ों की कटाई। जगदलपुर में बूढ़ी माता के मेले में पहुंचे विधायक रेखचंद जैन, मेले में विधायक ने की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दो दिवसीय बस्तर आगमन पर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जगदलपुर आगमन पर रमन सिंह ने एयरपोर्ट पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कांग्रेस के छत्रछाया में फूल रहा है और धर्मांतरण कराने वालों का कांग्रेस संरक्षण प्राप्त है। दूसरी तरफ इस विषय में विधायक रेखचंद जैन का कहना था कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण, सबसे ज्यादा चर्चाओं का निर्माण डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में इन विषयों को लेकर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कोई व्यक्ति किसी को अगर जबरदस्ती धर्मांतरण करवाता है तो ये दंडनीय है और कानून के खिलाफ है। केवल जसपुर में, सरगुजा में, बस्तर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अभी बेमेतरा जिले के साझा विधानसभा क्षेत्र में जो घटना हुई है और उसके पहले अलग अलग क्षेत्र में घटना हो रही है, तो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त और इस प्रकार के भोली भाली लड़कियों को, आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, उनके नाम से सरपंच बन जाना, जमीन खरीदना, ये पूरा व्यवसाय बन गया है और धर्मांतरण की आंधी आई है। आज भी नारायणपुर के 60-70 लोग जेल के अंदर हैं, बलपूर्वक, छल पूर्वक भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण का साजिश भूपेल की सरकार में हो रहा है, उसकी ओर देखें। लव जिहाद की बात करना बंद करें। रमन सिंह जी जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा धर्मांतरण, सबसे ज़्यादा चर्च, नए चर्चों का निर्माण उन्हीं के शासन में हुआ है। उस समय आँख बंद करके ये बैठे थे। आज हमारी सरकार बनने के बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण कराता है उसकी शिकायत करें, विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की कोई शिकायत ना आ रही है, ना ऐसा हो रहा है। आज रमन सिंह जी बौखला गए हैं। 15 साल उनके शासन में सिर्फ भ्रष्टाचार और खुद को आत्मनिर्भर का बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। वहीं कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा सुकमा के नीलावरण पहुंचे, जहां माननीय कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ग्रामवासियों से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में और जन जागरूकता फैलाई जाएगी। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ब्लॉक के बमहनी में आयोजित बूढ़ी परदेशन माता मेला पहुंचे, जहां उन्होंने मेला समिति के सदस्यों को एनएमडीसी
सीएसआर मद से 1,00,000 रुपए का चेक सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य के आदिवासियों के समग्र विकास में सरकार जुटी हुई है। पिछले 4 साल से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मासमुंद के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम बड़ेटे मरी में भतकुंदा मार्ग पर विद्युत विभाग और ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है, तो वहीं विद्युत विभाग के ठेकेदारों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बता दें कि बिना अनुमति के बेशकीमती पेड़ों को काटा जा रहा है और ना ही वन विभाग से परमिशन ली गई है या राजस्व से विभाग से परमिशन ली गई है। हालांकि इस मामले पर क्षेत्र के ग्रामीण शिकायत करने की भी बात कह रहे हैं। जगदलपुर के बंगीय समाज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में विधायक रेखचंद जैन शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित कई कार्यक्रमों में भी विधायक रेखचंद जैन ने हिस्सा लिया और जैन बस्तर के समग्र विकास में बंगीय समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि बंगीय समाज ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को अनेक माध्यमों से गति दी है और समाज के राष्ट्र निर्माण में भी जुटा हुआ है। बस्तर सांसद दीपक बैज अपने 2 दिवसीय दौरे पर दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन LDM की बैठक की, जो कि स्थानीय सर्किट हाउस में हुई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा सहित समस्त जोन अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सहित विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद रहे। LDM के लोकसभा प्रभारी और सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में ये बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान दीपक बैज ने आने वाले 22 अप्रैल तक बैठक में दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के भी निर्देश। बता दें कि सांसद दीपक बैज को LDM के लिए बस्तर लोकसभा के 6 विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बस्तर में लोकल ड्राइवर कल्याण संघ के लोगों ने एक रैली निकाली, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बिना लाइसेंस ड्राइवर को भारी वाहन चलाने की अनुमति ना दी जाए। वाहन चालक को कहीं भी दुर्घटना होने पर मालिक सहयोग राशि प्रदान करे और वेतन प्रतिमाह 25,000 रुपए हो। ड्राइवर कल्याण संघ ने ज्ञापन सौंपा और अध्यक्ष ने इस विषय पर पूरी जानकारी दी है। वहीं जगदलपुर में हस्तशिल्प विकास बोर्ड ने हस्तशिल्प और हाथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका आयोजन मेथडिस्ट मैदान में 15 से 24 अप्रैल तक किया जा रहा है। बता दें कि प्रदर्शनी में हस्तशिल्पियों, बुनकरों और माटी शिल्पियों ने 80 स्टॉलों के माध्यम से वस्त्रों की भव्य प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प, लोहे शिल्प और कोष्ठ शिल्प के साथ साथ कोसा साड़ी और ड्रेस मटेरियल का विशाल संग्रह उपलब्ध है। वहीं अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां हत्या के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जिले के भासी थाना का है, जहां आरोपी मुरली नायक ने अपनी पत्नियां की हत्या कर दी, जिसे पुलिस अभिरक्षा में तबियत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से पुलिस को चकमा देकर आरोपी मुरली नायक फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश कर रही थी। तभी सूचना मिलने पर आरोपी को भासी थाना क्षेत्र के जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके ऊपर अपने पत्नी रामपति के हत्या का आरोप था, जिसका स्वास्थ्य खराब होने पर जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में उपचार चल रहा था। स्वास्थ्य में सुधार होने पर सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दंतेवाड़ा श्री सिद्धार्थ तिवारी सर के तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय R.K. बर्मन के मार्ग निर्देशन पर 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके उक्त फरार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
जगदलपुर के बस्तर के लालबाग मैदान में बस्तर फाइटर आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बस्तर आईजी सुंदर राज पी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। बता दें कि बस्तर फायदा की शुरुआत 6 महीने पहले की गई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय युवाओं को नौकरी देने को जो वादा किया था वो पूरा हुआ। बस्तर संभाग के 7 जिलों के स्थानीय युवा जो कि नक्सल इलाकों से आते हैं, जो नक्सल गतिविधियों की जानकारी भी रखते हैं, उन युवाओं को बस्तर फाइटर में भर्ती किया गया है। कुल 691 युवा आज अपनी पूरी ट्रेनिंग करके नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जंगल में उतरेंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।